इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान का स्वरूप किसी भागवत के स्मरण कराने पर हमको बोध में आता है। ये भगवान की कथाएं भगवान के दिव्य स्वरूप का बोध कराती रहती है। भगवान की कथाएं यही हमको भगवान के बारे में बताती हैं। विष्णु पुराण में विष्णु भगवान की चर्चा, शिव पुराण में शिव भगवान की चर्चा, और जितने पुराण हैं सब भगवानों की चर्चा है। जिसको समझना है उन पुराणों का आश्रय करें, लेकिन पढ़कर नहीं सुनकर कोई महापुरुष सुनावे आनंद हो। भगवान ने पूछा, जानकी जी का कुछ पता आप जानती हैं? शबरी अम्मा ने कहा, मेरे गुरुदेव ने बताया था, प्रभु आएंगे उनको पंपा सर भेजिएगा, सुग्रीव जी मिलेंगे, उनके सब कार्य वो संभालेंगे। भगवत कार्य में रुकिए मत, चलिए। भगवान आपको स्वयं मार्गदर्शन करते चलेंगे और कार्य जो आपने ठाना है वो रुकने वाला नहीं है। भगवान आगे बढ़ के अपना कार्य स्वयं पूरा कर देते, जीव नहीं करता। चल दो, भगवान के निमित्त जो आप ठान लेंगे ना, भगवान स्वयं पूरा करते हैं। तो हमारे जीव में अहंकार छोड़ देते हैं, तुम अहंकार करो, हम तो आई हैं। अपना काम परमात्मा करते, किसी को कोई संकल्प मन में आए, चल दो। काम किसका? तो भगवान का। करेगा कौन? भगवान। न जाने किसको निमित्त भगवान बनाते। अब देखिए, शबरी अम्बा ने कहा, परमात्मा जाने लगे, मैया कही, प्रभु हमको तो विदा करिए। भगवान खड़े हो गए, शबरी अम्बा भगवान का मुख दर्शन करी, देख रही है, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पद हरि योग पावक दे हरि पद दीन भई जानहि हरि विविध कर्म धर्म भव योग प्रभु सब जागौ विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुदास हे योगाग्नि में बदन को प्रवेश कराते समय प्राण को ब्रह्म रंध्रों से ऊर्ध्व कराकर शबरी अम्बा भगवान में लीन हो गई। बिलो के हरि मुख हृदय पद पंकज धरे तज जोग पाव देह हरि पद लीन भई जहद परमात्मा के चरणों में प्रवेश। गोस्वामी जी का निर्णय आया, जातिहीन अघ जन्म मही मोक्त यसिना महामंद मन सुख ऐसे महामंद मन सुख ऐसे। जीवन जगत के सब कार्य करते 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 भी भगवान का स्मरण बनाए रखना है। बहुत कुछ याद हो गया है, छोड़ भगवान के, बहुत याद हो गया, लेकिन ये याद जीवन भर बनी रहे, जिससे जाते जाते भी बनी रहे, बनी रहे, यही जीवन है ना। भगवान क्या नहीं कर देते, याद बनी रहे।
याद बनी रहेगी, आवश्यकता पड़ेगी तभी फरियाद कर सकते हैं, इसे याद बनी रहनी चाहिए। हरि नाम नहीं तो जीना, छोड़ी विषय विसरी
तो अपना देखना है, अपनी ओर से लगे रहना है। वो क्या कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, इस चक्कर में नहीं उलझना है। हम कर रहे हैं कि नहीं, हमको हमारी परवाह होनी चाहिए। हमारी समस्या क्या है, हम अपने लिए नहीं सोचते। वो नहीं कर रहे हैं, उनको देखो। अरे छोड़ो ना, शीशा कह रहा है, अपने को देख। हम करते हैं कि नहीं, नहीं करते तो करना चाहिए। बच्चों की तरह उनका देखो, उनका देखो। अरे छोड़ो, अपना देखो। ये हरि नाम, हरि नाम तुलसीदास, सठते ही भज छाड़ कपट जंजाल। अरे जातिहीन अग जन्म मई मुक्त कीन, असिनारी महामंद मन सुख चर्च। ऐसे ही प्रभु ही भगवान को, भगवान को हारिए हिम्मत विसारिए राम लगे। औरों के लिए नहीं है, अपनों के लिए है, हमारे आपके लिए है। हमको इसी में रमना जमना। हम लोग भाग्यशाली है ना कि मानव तन पाकर भगवान के भजन में रम रहे हैं, बह रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। ये सौभाग्य सबको थोड़ी मिलता है। संसार का सामान मिलेगा, रुपया मिलेगा, गहना मिलेगा, पैसा मिलेगा, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, लेकिन भगवान का भजन, भगवान की कथा अतिशय भाग्यशाली को ही कलयुग में सुलभ होता है। उसी में से हमारा आपका नंबर है। हम लोग भाग्यशाली है कि भगवान में रमते, कथा सुनते, इसी की चर्चा दिन भर करते, और क्या करें। कितने भाग्यशाली हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।